हेलो एवरीवन। तो गैस आज हम बनाने वाले हैं पूरे 1 kg चिकन करी। तो इसे हम मसाला चिकन करी बोलेंगे, मसाला चिकन करी। तो गैस चलो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और हमारे साथ बने रहना वीडियो में। तो गैस मसाला मिक्स करते हैं। फर्स्टली हम लेंगे चिली पाउडर, इसके बाद हल्दी पाउडर, इसके बाद धनिया पाउडर, इसके बाद गरम मसाला, इसके बाद जीरा पाउडर। तो अब मीट मसाला डालते हैं। तो गैस मैं मीट मसाला 1 चम्मच ले रहा हूँ। अब गैस इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करते हैं। चलिए। तो गैस ये जो मैं मसाला यूज़ कर रहा हूँ ये आपके नज़दीकी दुकानों में मिल जाएगा आराम से, तो आप इसे खरीद लेना। गैस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और गैस मैंने मीट के क्वांटिटी के हिसाब से मैंने हाफ स्पून लिया है सब मसाला को। सो गैस मैंने यहाँ पे चिली ले लिया है, फ्रेश चिली, और मैंने यहाँ पे 4 टमाटो लिया है जो कि मैंने मीट के क्वांटिटी के हिसाब से लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा फेस्ट, इसके बाद यहाँ पे मेरा मैंने यहाँ पे 2 टू क्या लिया हुआ है, ये प्याज लिया हुआ है। और मैं यहाँ पे अपने ऑयल को गर्म कर रहा हूँ, तो इसे गर्म होने देके बनाते हैं। चलिए तो गैस, तो गैस सबसे पहले हम इस गर्म मसालों को उबालते हैं, आई मीन डालते हैं बस इसे अच्छी तरह से डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ही डालना चाहिए। इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़ा सा उन फोर हाफ टेस्ट है। एज ऑलवेज प्याज सबसे आगे। तो गाइस मैंने यहाँ पर 4 प्याज लिए हुए हैं और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक इसका कलर येलो ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो गाइस हमने ऑलमोस्ट प्याज को भून लिया है, अब हम इसमें चिली को ऐड करते हैं। तो चिली को भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। चलिए तो गाइस चिली भी अच्छी तरह से भून लिया है, तो अब हम डालेंगे टमाटो और इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि टमाटो को कैसे जल्दी भूना जाता है। तो टमाटो को कुछ इस प्रकार के प्रेस कर लीजिए, तो इससे अच्छी तरह से भून जाता है, ये जल्दी भी होता है ये प्रोसेस। तो गाइस टमाटो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारा पेस्ट। तो अभी पेस्ट को भी अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि इसका टेस्ट निकल जाए। एटलीस्ट 2 मिनट तक इसे भून लेना। सो गाइस देख सकते हैं हमने ऑलमोस्ट इसे भी भून लिया है, तो अब बारी है मीट की। तो गाइस देख सकते हैं हमने मीट को ऑलमोस्ट ऐड कर लिया है, तो इसमें भी थोड़ा बाकी है, इसे भी ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो गैस हमने मीट को भी बहुत अच्छी तरह से ऐड कर लिया है, तो अब गैस के फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, पूरा फुल कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से गूंथते हैं मसाले के साथ, हमारे ग्रेवी के साथ। तो गैस इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना। सो गैस अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं, 1/2 ग्लास वाटर, ताकि ग्रेवी अच्छी से बन जाए। तो गैस इसे वाटर के साथ अच्छी तरह से भूनते हैं, जैसे कि गैस आप देख सकते हैं वाटर के साथ बहुत अच्छा कलर आ रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो एट दी एंड से गैस मैंने ये प्याज लिया हुआ है अलग से कुछ बड़े पीस करके, और इसे भी मिक्स कर देते हैं और इसके बाद छोड़ देते हैं इसे भी। तो गैस वीडियो में बने रहना एंड तक। तो गैस मैंने भून लिया है ऑलमोस्ट, तो अभी मैं से 30 मिनट के लिए या 40 मिनट के लिए छोड़ सकते। तो गैस ये ऑलमोस्ट पक चुका है, अब ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो गैस एज ऑलवेज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली के साथ बना के खाना। बाय।